हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा इसकी गारंटी मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही दे देता हूं। बढ़िया एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं कि भाई वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या जरूरत है वर्चुअलाइजेशन की, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बिफोर आई मूविंग टू वर्चुअलाइजेशन मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे वो मेरा पर्सनल कंप्यूटर हो या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर हो, उसके अंदर चार ऐसे बेसिक फिजिकल एलिमेंट्स कह लो, फिजिकल रिसोर्सेस कह लो, जो मौजूद होंगे हर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। वो चार बेसिक फिजिकल रिसोर्सेज मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं कि भैया हर एक के कंप्यूटर में प्रोसेसर तो होना ही चाहिए, रैम तो होना ही चाहिए, रोम भी होना चाहिए और नेटवर्क भी होना चाहिए। तो ये ऐसे चार फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो कि आपके और मेरे कंप्यूटर में दोनों में ही हम लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, एक सर्वर मुझे बनाना है। सर्वर बनाना है मतलब इसे आप एज अ फिजिकल मशीन या फिजिकल इंस्टेंस देख सकते हो। तो मैंने क्या किया, ये बनाने के लिए व्हाट आई डिड, बहुत सारे प्रोसेसर मैंने इसके अंदर फीड अप कर दिए, बहुत सारा रैम, बहुत सारा रोम और बहुत सारा जो नेटवर्क कैपेसिटी है वो मैंने इसके अंदर फीड अप कर दिया। और जो अभी मेरा बन के तैयार हुआ है वो है मेरा सर्वर, यानी कि फिजिकल मशीन या फिर इसे आप फिजिकल इंस्टेंस भी कह सकते हो, बराबर। तो अभी सर्वर के अंदर क्या है, दिस सर्वर कंपोजेस ऑफ मेनी प्रोसेसर्स, टू मच ऑफ रैम, टू मच ऑफ रोम एंड बहुत ज्यादा नेटवर्क कैपेसिटी होल्ड करने वाला जो अभी ये मशीन है, इसे हम लोग सर्वर कह सकते हैं या फिर फिजिकल इंस्टेंस कह सकते हैं, फिजिकल मशीन कह सकते हैं। तो यहां तक तो भैया मामला समझ में आ गया कि आपने क्या कर दिया भैया, सर्वर बना दिया। अब आगे क्या, तो हमारे पास अभी याद रखना कि सर्वर एक ही है, मतलब जो फिजिकल मशीन है यानी कि जो फिजिकल इंस्टेंस है वो सिर्फ एक ही है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मोस्टली जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइडर्स को उनके रिसोर्सेज के लिए, सर्विसेज के लिए अप्रोच करते हैं। एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं, एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे ये रिसोर्स चाहिए इतने टाइम के लिए, मैं पे करने के लिए तैयार हूं, मुझे इतनी सर्विसेज चाहिए मैं पे करने के लिए तैयार हूं। तो इस अलग अलग किस्म के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो अप्रोच करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स को, ठीक है। अब हुआ क्या क्लाउड प्रोवाइडर के साइड में कि भैया उनके पास सिर्फ एक ही सर्वर है और उस सर्वर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर, रैम, रोम और बहुत सारी नेटवर्क कैपेसिटी पड़ी हुई है इस सर्वर के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भैया ये एक ही फिजिकल इंस्टेंसेस है, एक ही फिजिकल इंस्टेंस है, एक ही फिजिकल मशीन कह लो आप उसको, ओनली वन फिजिकल मशीन इज प्रेजेंट। और जो मांगने वाले लोग हैं, जो अप्रोच करने वाले लोग हैं फॉर द क्लाइंट, फॉर द सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, यानी कि आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स, वो बहुत सारे हैं। एक फिजिकल मशीन है और बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे कस्टमर है, तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो भैया यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाए, दैट इज वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो अभी वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इसे सॉल्व कैसे करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाइपरवाइजर करके सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम, बहुत ही सादी भाषा में प्रोग्राम कह लो या फिर सॉफ्टवेयर कह लो, ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हाइपरवाइजर जिसे हम कहते हैं, ये हम लोग दे देते हैं सर्वर को। वी फीड दिस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कॉल्ड एज हाइपरवाइजर टू द सर्वर। तो ये सर्वर को हमने दे दिया। अब इसका यूज क्या है, ये क्यों दिया, इसकी क्या जरूरत थी, ओके। तो हाइपरवाइजर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम विच इज यूज टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। समझ में आया कि नहीं, तो जब हम ये इसे फीड करते हैं, मतलब हाइपरवाइजर जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वो जब हम अपने सर्वर को फीड करते हैं, देन दिस इज यूज्ड, दिस प्रोग्राम इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स। तो आप वर्चुअल मशीन बना सको ऑन दिस फिजिकल मशीन। तो इस फिजिकल मशीन पे जब आप वर्चुअल मशीन्स को बनाते हो, तैयार करते हो, क्रिएट करते हो, उसे हम वर्चुअलाइजेशन कहेंगे, बराबर। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है भाई, हाइपरवाइजर, बराबर। तो अभी हाइपरवाइजर का ठीक है, काम तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ और टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये मेरे क्या है, वर्चुअल मशीन्स है। तो हुआ क्या है, इसी वर्किंग फ्लो क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है यानी कि जो आपका हाइपरवाइजर, ये मैंने फीड किया किसको, सर्वर को। तो आउटपुट क्या है भैया, मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ उसे आप एज आउटपुट को देख सकते हो, वर्चुअल मशीन्स मेरे जनरेट हुए हैं, बराबर। सो दिस इज 1, 2, 3, ऐसे कितनी भी सारे आप वर्चुअल मशीन्स जनरेट कर सकते हो जितनी आपके क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट है। समझ लो बहुत सारे क्लाइंट्स है तो उतने आप रिस्पेक्टिव वर्चुअल मशीन्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ, तो हुआ क्या है यहाँ पे, ऑन योर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस यू हैव क्रिएटेड मेनी वर्चुअल मशीन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वर्चुअलाइजेशन। तो अभी जिस मशीन के ऊपर आपने ये वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया है, वो कौन सा है, ये आपका सर्वर यानी कि फिजिकल मशीन। इस फिजिकल मशीन के ऊपर आपने ये वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया है बाय यूजिंग हाइपरवाइजर, तो उस मशीन को हम कहेंगे, इस सर्वर को हम कहेंगे
होस्ट मशीन। होस्ट मशीन क्या होता है कि जिस मशीन के ऊपर आपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया है उसे कहेंगे होस्ट मशीन, और जो ये वर्चुअल मशीन्स मेरे क्रिएट हुए हैं उन्हें हम कहेंगे गेस्ट मशीन। बराबर, तो ये क्या है, ये सारे मेरे दीज आर द गेस्ट मशीन्स। गेस्ट है ये मेहमान है, गेस्ट मशीन्स है, और ये जो सर्वर है जिसके ऊपर इन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट किया गया है बाय यूजिंग द हाइपरवाइजर उसे हम कहेंगे होस्ट मशीन। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो वर्चुअल मशीन्स है ये इस सर्वर के यानी कि फिजिकल इंस्टेंस के यानी कि फिजिकल मशीन के जो रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा रैम है, रोम है, और बहुत बड़ा नेटवर्क कैपेसिटी है, इन रिसोर्सेज को यूज करना शुरू करता है वर्चुअल मशीन। क्यों? बिकॉज एक-एक वर्चुअल मशीन आप एक-एक क्लाइंट को अपने दे सकते हो, एक-एक वर्चुअल मशीन आप अपने एक-एक क्लाइंट को दे सकते हो। मतलब कोई एक क्लाइंट है उसको कुछ मेमोरी की जरूरत है क्योंकि उसको कुछ डेटा स्टोर करना है, कुछ प्रोसेसर की जरूरत है क्योंकि उसको कुछ कंप्यूटिंग या फिर प्रोसेसिंग कैरी आउट करना है, तो वो इस वर्चुअल मशीन को अप्रोच करता है। ओके, और ये वर्चुअल मशीन क्या करता है, इसको अप्रोच करता है और उसके जो रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करता है, और वो किसे प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा फ्लो है। तो होता क्या है, ये भाई आपका होस्ट मशीन, ये आपका गेस्ट मशीन। गेस्ट मशीन को कौन कनेक्टेड होता है, आपका क्लाइंट होता है। तो क्लाइंट जैसे डिमांड करता है कि मुझे इतने इतने से चाहिए, तो वो वर्चुअल मशीन इस फिजिकल मशीन से वो रिस्पेक्टिव रिसोर्सेस को रिट्राइव करके प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और क्लाइंट बदले में उसको नोट देता है यानी कि पैसे देता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो वर्किंग में चलता है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, दिस इज हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर को हम लोग क्या कह सकते हैं, VMM, दैट इज वर्चुअल मशीन मॉनिटर। तो ये जितनी भी आपके वर्चुअल मशीन्स जो ऑपरेट हो रहे हैं ऑन दिस फिजिकल इंस्टेंस, उन सभी पे मॉनिटरिंग करने का काम भी आपका ये सॉफ्टवेयर करता है जो कि अभी भी सर्वर के अंदर है। तो वो सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है यानी कि प्रोग्राम आपका हाइपरवाइजर है, वो इन सभी वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, किसको कितना रिसोर्स चाहिए, क्यों चाहिए, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से वो जो रिसोर्सेज है वो इनको देता है। नाउ रिमेंबर वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग, सर्वर का अपना एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास होगा। ये जो आपका कंप्यूटर है, एक तरीके से जो मशीन है, इसका अपना एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और इसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन्स हमने क्रिएट किए हैं बाय यूजिंग हाइपरवाइजर, उन सभी वर्चुअल मशीन्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब इस वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका विंडोज है, इसका लिनक्स है, इसका उबंटू है, तो ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपका वर्चुअल मशीन वर्क कर सकता है ऑन योर फिजिकल मशीन, दैट इज फिजिकल इंस्टेंस योर सर्वर। तो इस तरीके से पूरा वर्चुअलाइजेशन का जो काम है वो चलता रहता है। अब इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं एक बहुत ही छोटा इंस्टेंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो दुनिया के किसी एक अलग कोने में है, बराबर, और उसको आपकी सर्विसेज, आपके रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, बराबर, तो वो क्या करता है, इस वर्चुअल मशीन को कांटेक्ट करता है, बराबर, और वो इस वर्चुअल मशीन को यूज करना शुरू करता है। नाउ रिमेंबर, ये वर्चुअल मशीन दुनिया के एक अलग कोने में है और आपका जो क्लाइंट है वो दुनिया के दूसरे कोने में है, समझ में आया कि नहीं, और वो क्या कर रहा है, इस वर्चुअल मशीन को कांटेक्ट करके सर्विसेज और रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, सर्विसेज और रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। मतलब आपकी एक्चुअल लोकेलिटी, वो जो क्लाइंट है उसकी एक्चुअल लोकेलिटी कहीं और है, ये आपका वर्ल्ड है, क्लाइंट की एक्चुअल लोकेलिटी कहीं और है, और आपका जो वर्चुअल मशीन है उसकी एक्चुअल लोकेलिटी कहीं और है, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, इसके सर्विसेज को और रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट द क्लाउड कंप्यूटिंग मीन। और फिर ये सर्विसेज और रिसोर्सेज के बदले में ये जो क्लाइंट है ये उसको क्या करता है, पैसे देता है। क्यों? बिकॉज इस क्लाइंट ने इन रिसोर्सेस को ऑन रेंट लिया था और ये रेंट के रूप में उसको वो पैसे दे देता है, बराबर, किसको, प्रोवाइडर्स को, रिसोर्स प्रोवाइडर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, उनको वो पैसे दे देता है। तो इस तरीके से आप इन वर्चुअल मशीन्स को यूज कर सकते हो। तो ये था दोस्तों पूरा फंडा आपके वर्चुअलाइजेशन का, कि इस तरीके से एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया जब वर्चुअलाइजेशन आता है तो कौन से टेक्निकल टर्म्स आपके दिमाग में आने चाहिए, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा तो जस्ट थोड़ा सा रिवर्स में जाइए, फिर से इसको रीप्ले कीजिए, प्ले कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, इतने आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा जरूरी, जरूर जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।